Hello, good morning children. Last class, today my subject is English and my topic is small letter cursive. Okay, last class में हमने small letter के कुछ stroke बनाना सीखे थे और उस stroke से related कुछ letter भी हम बनाना सीखा था हमने. हमने last class में letter C, A, D, Q, G एंड O इनकी प्रैक्टिस की थी और इनको बनाना सीखा था. देन टुडे वी विल स्टार्ट मेक लेटर F, L, B, H, T, K. ओके, आज हम L स्ट्रोक से बनने वाले लेटर को बनाना सीखेंगे. L स्ट्रोक जो है वो थर्ड लाइन में बनता है. 1, 2, 3. ओके, स्मॉल लेटर ऑलवेज स्टार्ट बी थर्ड लाइन. ओके, स्मॉल लेटर जो है हमेशा थर्ड लाइन से स्टार्टिंग होती है स्मॉल लेटर की. देन हम पहले एल वाला स्ट्रोक बनाएंगे. देखिए, थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट लाइन में स्लैंटिंग लेकर के जाएंगे इस लाइन को एंड हल्का सा टर्न लाइटली बैक साइड में टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन थर्ड लाइन को टच करेंगे एंड लाइट टर्न करो. फिर इसको लाइट टर्न किया उसके बाद में अगेन फर्स्ट लाइन. यहाँ से थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे. थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन स्लैंट लेके जाएंगे बैक साइड पर ले जाते हुए स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड लाइन को टच करेंगे एंड ये हल्का सा टर्न देंगे इसको. इस टाइप से बनाएंगे इस वायर को. ये हमारा एल स्ट्रोक. ओके, इसी प्रकार इस एल को हम अब रनिंग में लिखना सीखेंगे. ओके, रनिंग में कैसे लिखना है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि रनिंग में जब हम किसी भी वर्ड को राइट करते हैं तो हमारा हैंड जो है वो नोटबुक से उठना ही चाहिए. ओके, हमें रनिंग में कंटिन्यूसली राइट करते ही जाना है. थर्ड लाइन हमारी है 1, 2, 3. थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे इस लाइन को बैक साइड में टर्न करते हुए लाइटली स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड लाइन को टच किया टर्न करते हुए अगेन फर्स्ट लाइन टच होगी स्लैंट ले जाते हुए एंड हल्का सा टर्न स्ट्रेट लाइन अगेन थर्ड लाइन को टच किया अगेन इसको टर्न ले जाते हुए इसको इसी को टर्न लेते हुए फर्स्ट लाइन आएंगे टर्न लिया स्ट्रेट लाइन थर्ड लाइन को टच किया देन अगेन फर्स्ट लाइन को टच करेंगे स्लैंट लेते हुए बैक साइड में लिया टर्न करते हुए आएंगे स्ट्रेट लाइन में थर्ड लाइन को टच करेंगे. इस प्रकार से इसको बनाना है. इस प्रकार से देखिए ओके, इसमें हमने अपना हैंड को उठाया नहीं है नोटबुक से. ओके, देन ये हमारा लेटर एल. एल स्ट्रोक से बनने वाले आज हम लेटर सिखाएंगे. एल एल लेटर है. देन उसके बाद में हम सीखेंगे लेटर बी बनाना. लेटर बी देखिए, स्टार्टिंग थर्ड लाइन से स्टार्ट किया हमने फर्स्ट लाइन में लेके गए फर्स्ट लाइन में स्लैंट लेके जाना है. स्लैंट लिया तो हल्का सा टर्न करते हुए इसको स्ट्रेट लाइन ले लीजिए. स्ट्रेट लाइन को थर्ड लाइन से टच किया अब इसको कर्व बनाते हुए हल्का सा टर्न कर देंगे. ये लेटर हमारा बी बन गया. कौन सा लेटर बना हमारा बी. थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे. देखो लुक इट थर्ड लाइन से स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन में स्लैंट लेके गए हल्का सा टर्न करते हुए इसको बैक साइड में टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. फिर इस स्ट्रेट लाइन को थर्ड लाइन से टच किया एंड कर्व लेते हुए कर्व ले जाते हुए हल्का सा इसको इस अंदर की साइड में
टर्न कर देंगे. लेटर बी. इस फर्स्ट लाइन को टच किया, बैक साइड में टर्न किया इसको एंड स्ट्रेट लाइन. थर्ड लाइन को टच करना है, अगेन इसको कर्व बनाएंगे एंड टर्न कर देंगे. इस प्रकार से ये बन गया हमारा लेटर बी. देखिए थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में स्लैंट लेके गए, स्लैंट लेने के बाद इसको बैक साइड में टर्न करते हुए फिर इसको स्ट्रेट लाइन लेना है. थर्ड लाइन को टच करते हुए इसको हल्का सा कर्व बनाना है, कर्व बनाते हुए और उधर से इसको टर्न कर लेना है. ये लेटर हमारा बी बन गया. ओके, अब इसी को आपको रनिंग में लिखना है. आप इसको रनिंग में कैसे लिखेंगे वो आप इधर देखिए. लुक इट, थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे इसको. थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए इसका स्टार्टिंग पॉइंट वन ही रहेगा. थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट लाइन में जाएंगे, फर्स्ट लाइन में स्लैंट ले जाएंगे. स्लैंट लेते हुए बैक साइड में टर्न करते हुए हल्का सा स्ट्रेट लाइन टच किया थर्ड लाइन को कर्व बनाते हुए एंड इसको टर्न कर लेंगे. टर्न करने के बाद फिर से इसको फर्स्ट लाइन में लेके जाएंगे, हल्का सा टर्न करेंगे थर्ड लाइन में लेंगे, इसी को टर्न करते हुए कर्व बनाते हुए टर्न करेंगे. फिर इसी को फर्स्ट लाइन में लेकर जाएंगे, हल्का सा टर्न करते हुए थर्ड लाइन में आएंगे एंड इसी को कर्व करते हुए इस प्रकार से टर्न करेंगे. टर्न को भी ऊपर ले जाते हुए फर्स्ट लाइन में लेके जाएंगे. इसी प्रकार से हमारा लेटर बी बनता जाएगा. देखिए ओके डन. अब हम लेटर बनाएंगे, लेटर एच. एच थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा हमारा. एच जो है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट किया हमने, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में स्लैंट लेके गए. इस प्रकार से बनाना है, पहले इस प्रकार से बैक साइड है टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन थर्ड लाइन को टच किया, फिर बैक करते हुए अपर साइड पे लेंगे, सेकंड लाइन तक आएंगे. सेकंड लाइन तक आते हुए इसको इस प्रकार से टर्न करते हुए हल्का सा कर्व लेते हुए ऊपर की साइड से अपर साइड से कर्व लेते हुए इस प्रकार से इसको थर्ड लाइन में वापस आते हैं टर्न कर देंगे. ये होगा हमारा लेटर एच. थर्ड लाइन से इसको लेंगे, थर्ड लाइन से ऊपर फर्स्ट लाइन में लेकर जाएंगे, बैक साइड पर टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को फिर बैक साइड में अपर लाइन सेकेंड लाइन तक लाएंगे. इसको सेकेंड लाइन तक ले जाते हुए हल्का सा टर्न करते हुए कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन को टच करेंगे इसको एंड टर्न कर देंगे. ये है लेटर एच. एच फॉर हैंड, एच फॉर हैंड. थर्ड लाइन से स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में स्लैंट ले गए, स्लैंट बैक साइड पर टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से बैक साइड पर सेकेंड लाइन को टच करना है इसको बैक लेते हुए एंड हल्का सा कर्व लाइटली कर्व देता देने के बाद इसको फिर से थर्ड लाइन को टच करके टर्न करना है. देखिए इस प्रकार से लेटर एच. अब इसी को आपको रनिंग में लिखना है. रनिंग में आप कैसे लिखेंगे, रनिंग में देखिए 1 2 3 थर्ड लाइन से स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड लाइन से स्टार्टिंग पॉइंट को फर्स्ट लाइन में लेकर जाएंगे यहाँ, फिर इसको थर्ड लाइन में बैक करेंगे. बैक किया स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर बैक करते हुए सेकंड लाइन को टच करेंगे एंड थर्ड लाइन को टच किया, फिर इसको टर्न किया. टर्न करके इसी को टर्न करने के बाद अपर साइड में लेंगे. इस प्रकार से बनाएंगे.
इस प्रकार से आप इसको रनिंग में लिखेंगे। इसका जो टर्न किया हुआ जो पॉइंट होता है उसी लाइन को लेकर के जाना है आपको, फर्स्ट लाइन है उसी को फिर से बैक साइड में स्ट्रेट लेते हुए थर्ड लाइन को टच करना है, फिर बैक साइड में रिटर्न करते हुए इसको सेकेंड लाइन में लिया एंड थर्ड लाइन में, फिर इसको फर्स्ट लाइन में, फिर इस प्रकार से रनिंग में आपको लिखते जाना है। अपने हैंड को उठाना नहीं है। ओके, ये हमारा रनिंग में एच हो गया। अब हम लेटर लेते हैं टी, लेटर टी लिखना सीखेंगे हमारे। ओके, लेटर टी को 1 2 3 थर्ड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट के बाद इसको फिर से स्लैंट लेके जाएंगे फर्स्ट लाइन में, लेटर एल की तरह बनाएंगे इसको लेटर टी लिखने के लिए। फर्स्ट लाइन में फिर इसको इसी के ऊपर टर्न करते हुए स्ट्रेट लाइन लेना है, थर्ड लाइन तक आए, थर्ड लाइन को टच करने के बाद टर्न कर देंगे। और ये जो सेकेंड लाइन है हमारी, सेकेंड लाइन के ऊपर, सेकेंड लाइन से हल्का सा ऊपर इसको इस प्रकार से बनाएंगे, लेटर टी हो गया हमारा। ओके, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन खड़े कर रहे हैं स्टैंड में, इसी के ऊपर बैक करते हुए आ गए लोअर साइड में, थर्ड लाइन को स्टार्ट किया, थर्ड लाइन को लिया एंड टर्न किया और इस प्रकार से बनाएंगे, ये लेटर हमारा टी हो गया। सेकेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसके ऊपर बीच में मिडल में लाइन बना देंगे, इस लाइन को कट करते हुए ये हमारा लेटर टी बन गया। ओके, तो आज हमने कितने लेटर सीखे, लेटर एल बी एच टी। अब इसको रनिंग में लिखना है आपको, इसको रनिंग में आपको लिखेंगे, देखिए इधर लुक इट अगेन, इसको भी इसी प्रकार से रिपीट करेंगे, थर्ड लाइन से रिपीट किया, फर्स्ट लाइन में लेकर गए, बैक किया, थर्ड लाइन में आए इस प्रकार से, फिर इसको ऐसे किया और ऐसे, ये हो गया हमारा लेटर टी नॉट। इसको रनिंग में लिखना है ना, इसी टर्न किया हुए पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, टर्न किया, टर्न करने के बाद बैक, फिर फर्स्ट लाइन में लिखे, थर्ड लाइन में लिखकर आए, फिर फर्स्ट लाइन में, फिर थर्ड लाइन में, इसी प्रकार से इसको ऐसे ऐसे बनाना है। ये लेटर हमारा टी बन गया रनिंग में, देखिए। अब इसके जो अपर पॉइंट है, अपर लाइन वाले सेकेंड लाइन से अपर, इसके ऊपर हमें ये लाइन बनानी है बीच में, लेटर टी की जो लाइन होती है मिडल की वो बनानी है। ओके, तो आपने ये स्ट्रोक बनाना सीखे इससे, लेटर एल बी एच एंड टी हमने आज सीखे हैं। सॉरी, आज आप होमवर्क के अंदर आज का आपका होमवर्क है, कॉपी में आप अपनी नोटबुक में राइट स्मॉल लेटर एल टी बी एच। ओके, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।